Everyone, welcome to the School of Maths and Science. Today I'll be teaching you a topic of 9th class mathematics, and the topic is compound interest. We will talk about compound interest, how we can find the compound interest of a given equation. So compound interest samajhne se pehle you should know how we can solve the sums of simple interest, because जो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाते. तो सिंपल इंटरेस्ट था कि पूरे साल का हमने इंटरेस्ट कितना देना है, डैट वाज द सिंपल इंटरेस्ट. एक साथ जितनी परसेंटेज जो रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने उसका इंटरेस्ट बताना होता है. तो सभी वीडियोस लगातार देखने के लिए यू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज स्कूल ऑफ मैथ्स एंड साइंस. एंड Now we will talk about only and only compound interest today. Compound interest समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं examples ही use करूँगा, because examples के साथ ही आपको समझ आएगा. ऐसे इसका कोई फंडा नहीं होगा, because इसमें जो formula use होना है वो तो simple सा है, P into R into T over 100. यही formula. प्लस हमारा जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. जो दो फार्मूले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में बताए थे, वही दो फार्मूले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में यूज़ करने हैं. इसके अलावा और कोई फार्मूला हमने इसमें यूज़ नहीं. एक और बात बेटा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ना ICSE के सिलेबस में, इफ़ वी टॉक अबाउट ICSE सिलेबस, इसमें हमारे पास जो है दो चैप्टर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के. एक है विदाउट फार्मूला, एक है विद फॉर्मूला. तो विदाउट फॉर्मूला का मतलब है वी आर नॉट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला, नहीं, वी आर यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिर्फ हम वो यूज करेंगे. जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला है वो इस वाले चैप्टर में, दैट इज द सेकेंड चैप्टर इन सेलिनास मैथमेटिक्स. तो सेलिना की मैथमेटिक्स बुक में आपके पास दो चैप्टर हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद फार्मूला. तो विदाउट फार्मूला जो चैप्टर है वो मैं आज करवाऊंगा, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा डैट विल बी विद द फार्मूला. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला कैसे निकालना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, एंड टू डू दीज एग्जांपल्स फ्यू वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट सम्स. उसमें ना दो चीज़ें लिखी होती हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, या फिर लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली. कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली. तो ये वर्ड्स, या क्वार्टरली भी लिखा हो सकता है. जब तो हमारे पास एनुअली है तो हमने हमेशा टाइम जो है वो वन ईयर लेना हर एक सम में. जब हाफ ईयरली लिखा है कंपाउंडेड और सेमी एनुअली लिखा है तो दोनों के लिए हमने जो टाइम लेना है वो लेना है हाफ ईयर. और अगर क्वार्टरली लिखा है देन वी आर गोइंग टू टेक द टाइम एज 1/4 ईयर, फोर्थ पार्ट ऑफ वन ईयर, एक साल का चौथा हिस्सा, डेट इज क्वार्टर. तो ये जरूर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के सम करने का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली लिखा है तो वन ईयर टाइम लेना है, अगर हाफ ईयरली या सेमी एनुअली लिखा है तो हाफ ईयर, एंड फॉर क्वार्टरली वी आर गोइंग टू टेक द टाइम एज 1/4. ये इंपॉर्टेंट बात आपने हमेशा याद रखनी है. आई एम गोइंग टू रीड अ स्टेटमेंट नाउ एंड लिसन टू इट केयरफुली. A man borrows a sum of rupees 3500 at a rate of 10% per annum. He borrows money from the bank, that is 3500, at a rate of 10% per annum for 2 years, which is compounded annually. तो समझ आई, compounded annually है word. That means we are going to take time as 1 years. So let's write down the things which are already given to us. That is principal, which is the money borrowed. 3500, that is given a rate of interest is 10% per annum and the time is 2 years. Find the amount which he has to pay back after 2 years. At the end of 2 years, what will be the amount he has to pay compounded
एनुअली, एनुअल के हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर का जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है दैट विल बी पे इनटू आर इनटू टी प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर के लिए रेट एंड टाइम इज 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, जीरोस के साथ जीरोस दोनों कट के, और ये वाला एक जीरो आ गया टू के साथ। सॉरी, टाइम इज ऑलवेज 1 ईयर, हर एक ईयर का, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम विल बी 1 ईयर। तो हमने टाइम 1 ईयर ले लिया। अब 35 × 10 दैट इज 350, 350 रुपीज़ जो है हमारा इंटरेस्ट आया पहले साल के लिए, दैट इज़ द इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हुआ, दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट द आंसर 3850, विच इज़ द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अब ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बना, अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस जो बताया था उसमें ये बताया था कि जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का डैट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब इसके ऊपर ब्याज मिलना है, ये जो पैसे हैं, तो ये बन गया हमारा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो है वो हम यूज़ करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए जो कि सेकेंड ईयर का है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दैट विल बी कितना आना चाहिए, अब प्रिंसिपल कितना आना चाहिए, 3850 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, इंटू टाइम हमने 1 ईयर ही लेना है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली लिखा था, दोनों जीरोस कैंसल, 385 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब आपने अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर का, तो जो अमाउंट आएगा हमारे पास सेकेंड ईयर का वो मैं आपको लिख देता हूँ, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का मेरा अमाउंट आ गया टोटल जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है फॉर्मूला अमाउंट का, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 8 + 5 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 + 3 11, 1 12 1, 4235 दैट इज 4235 रुपीज़ अमाउंट आया। अब अगर वो पूछते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स दोनों साल का, तो दो तरीके हैं, एक तो जो फाइनल अमाउंट है उसमें से जो शुरू में प्रिंसिपल था उसको माइनस कर दो, जितने पैसे उधार लिए थे, जितने पैसे बोरो किए थे टोटल अमाउंट में से माइनस कर दो, वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों साल के इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दोनों को ऐड कर दो, द आंसर विल रिमेन द सेम। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, डैट विल बी 735 रुपीज़। अगर आप माइनस करते हो 4235 में से 3500 को, तो भी आंसर 735 आएगा, दोनों इंटरेस्ट को दोनों साल के को ऐड करोगे तो भी 735 आएगा। तो इंटरेस्ट जो है वो हर एक साल का ऐड कर सकते हो, या फिर फाइनल अमाउंट माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल, द इनिशियल प्रिंसिपल जो शुरू में प्रिंसिपल लिया था फर्स्ट ईयर में। तो दिस इज़ हाउ वी डू द कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर स्टेटमेंट। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो उसमें है, द सम बोरोड इज़ रुपीज़ 8000, जो हमारा सम बोरोड है, पैसा जो उधार लिया वो 8000 है, एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। अब 2.5 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट फाइंड करना है, डैट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पे भी एनुअली है। तो अब लेकिन टाइम जो है वो 2.5 ईयर्स है, तो हमने एक साल, एक साल और लास्ट में हाफ ईयर जो है उसका निकालना है। तो प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% एंड
टाइम विच इज गिवन दैट इज 2.5 ईयर्स. अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है वो है 8,000 के ऊपर ही हमें मिलेगा इंटरेस्ट तो पहले साल का. टाइम इज ऑलवेज 1 ईयर फॉर कंपाउंडेड एनुअली. अब जो है 15 8 120 एंड प्लस जीरो, तो 1,200 रुपीज जो है वो मेरा इंटरेस्ट है पहले साल का. मुझे 8,000 के ऊपर 15% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,200 रुपये. लेकिन ये 1,200 हो गया, प्लस अगर इसको करते हैं 8,000 के बीच में तो वो बन जाएगा मेरा अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन गया 8,000 प्लस 1,200, तो ये बन गया मेरा 9,200. अब 9,200 मेरा जो अमाउंट बना है एक साल के बाद, जितने पैसे मुझे एक साल के बाद मिलने हैं उसी के ऊपर नेक्स्ट ईयर मुझे ब्याज मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो है वो और बढ़ेगा. इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो मुझे 8,000 के ऊपर नहीं मिलना. दैट विल बी द ऑन द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के ऊपर जितना अमाउंट बना था उसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा. तो 9,200 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1 ईयर ओवर 100, जीरोस दोनों कट हो जाएंगे. अब जो है 15 2 30 3 कैरी फॉरवर्ड, आगे जो है 15 9 135, 135 प्लस 8 सॉरी 3 138, तो ₹1,380 जो है वो मेरा इंटरेस्ट है फॉर द सेकेंड ईयर. ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आया. नाउ अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर दोनों को ऐड कर देंगे, जो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल कितना था 9,200 प्लस 1,380, दोनों को ऐड कर दो. ₹10,580 जो है मेरा अमाउंट बन गया फॉर द एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड तक मुझे इतने पैसे मिलेंगे. 8,000 था, ब्याज मिला 9,200 बन गया 9,200. अब 9,200 के ऊपर फिर ब्याज मिला अगले साल, वो 1,380 और ऐड हो गए, तो मुझे पैसे मिलेंगे 2 साल बाद 10,580. लेकिन मैंने 2 साल बाद लेना ही नहीं है, मैंने तो लेना है 2.5 साल के बाद, हाफ ईयर और ऐड हुआ. तो उसके लिए मैं हाफ ईयर का इंटरेस्ट और कैलकुलेट करूंगा फॉर लास्ट हाफ ईयर. तो लास्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल मेरा जो लास्ट अमाउंट होगा वो इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, अब टाइम कितना लेना है 1 ईयर, लिखा तो कंपाउंडेड एनुअली है लेकिन मेरे पास टाइम जो है वो हाफ ईयर है, तो 1/2 कैंसिल. 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 529 यहाँ पे कटिंग करके. अब 2 के साथ डिवाइड होता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ उसको. 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2 8, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2, इसका हाफ. तो इसका हाफ करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर, 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, 2 5 10, 793 रुपीज़ 50 पैसे जो है वो हम मेरा आएगा लास्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट. तो हमने इंटरेस्ट टोटल 2.5 साल का बताना है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड जो हाफ ईयर है उसका इंटरेस्ट, तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो 1 2 3, दैट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 ईयर्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल बेटा. इसमें आपको गिवन है द मनी बोरोड दैट इज 50,000 रुपीज़. दैट मीन्स जो हमने पैसा उधार लिया वो है 50,000,
तो 50,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3 पार्ट्स में गिवन है ना। जो बच्चे हैं वो ये सोचेंगे कि यार तीन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको कैसे करना है? सेम तरीके से करना है, कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट वाला इंटरेस्ट लेना है, सेकंड ईयर में सेकंड वाला इंटरेस्ट लेना है, एंड द थर्ड में थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लेना है। तो इट्स ईजी बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपने इंटरेस्ट को तीनों साल में अलग अलग यूज़ करना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 6% पर एनम, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट गिवन है 8,000 पर एनम, और थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट गिवन है 10,000 पर एनम, एंड द प्रिंसिपल इज ओरिजिनल प्रिंसिपल। जो पैसा उधार लिया, 50,000 उधार लिया, 3 साल के लिए लिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ईयर में 6% पर एनम है, सेकेंड ईयर में 8%, थर्ड ईयर में 10%। तो तीनों इंटरेस्ट को अलग अलग तीनों टाइप्स में यूज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द फर्स्ट वन, पहला केस देखते हैं। पहले केस में मेरे पास जो है वो है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 50,000 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, जो कि SI का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट तो वैसे कैलकुलेट होगा, 6 5 30। तो 3,000 इंटरेस्ट मुझे मिला 6% के हिसाब से 50,000 के ऊपर। तो अमाउंट जो है, मैंने जो एक साल बाद मुझे पैसा मिलना है, अगर मैं एक साल बाद ही जो है मैंने उधार लिया और एक साल बाद वापस करना है, तो 3,000 के ब्याज के साथ मैं वापस कर दूंगा। तो 50,000 प्लस 3,000 जो है दोनों को ऐड कर देंगे। 50,000 प्लस 3,000 विल बी 53,000। 53,000 मैंने जो है वो रुपीस वापस करने हैं एक साल बाद, बट मुझे 3 साल के बाद टोटल अमाउंट वापस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड ईयर का भी कैलकुलेट करूँगा। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर डैट विल बी प्रिंसिपल, अब मैंने इसको यूज़ करना है। तो 53,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए कितना बताया था, 6% था या 8% था? दैट वॉज 8%। तो वीडियोज़ बेटा पूरी की पूरी देखना, तभी आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा है। और अगर बीच में से आगे आगे जाके देखते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ऊपर 6% है लेकिन यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 8 लिया। 8 ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में गिवन है, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें इंटरेस्ट 8% लेना है, थर्ड ईयर में हमने 10% लेना है। तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 के साथ, 8 3 24, 8 5 40, तो 4,240 रुपीज़ जो है मेरा 53,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, जो टोटल अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। अब अमाउंट मेरा होगा सेकेंड ईयर का, दैट विल बी 53,000 प्लस 4,240, फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड 40 रुपीज़। अब ये जो है मेरा अमाउंट, यही अमाउंट वाला जो है डेट विल बी बिकम द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर 57,240 इंटू थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो 10% आई टेक इट एज द इंटरेस्ट। अब जो है मेरे पास, कटिंग कर दूंगा जीरोस की, इंटरेस्ट आ गया मेरा तीसरे साल के लिए 5,724 रुपीज़। अब ये जो 5,724 रुपीज़ मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आया, अब मैंने अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके। तो लेट्स डू इट नाउ कि हमें 3 साल बाद टोटल पैसे कितने वापस करने हैं। तो 3 साल बाद हमें जो पैसे वापस करने हैं, 57,240 प्लस 5,724, तो ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 7 9, 7 प्लस 5
ट्वेल्व, 5 + 1 = 6। तो 50,000 मैंने उधार लिया था और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आफ्टर एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर में 6% इंटरेस्ट दिया तो वो बना 3,000 के हिसाब से, 8% इंटरेस्ट दिया तो वो बना 4,000 कुछ रुपीस, अब मैंने 10% के हिसाब से जो है वो 5,700। तो टोटल अमाउंट मैंने जो 3 साल बाद पे करना है, डेट इज़ 62,964। ये तो अमाउंट पूछा गया था, अगर अमाउंट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता ऑफ थ्री ईयर्स, टोटल थ्री ईयर्स का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर दो, वो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इजेंट इट ईजी बेटा, मैंने बोला था ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया, इसमें 18,000 प्रिंसिपल लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम मैंने 1 ईयर लिया है। अब हमने दो केस है हमारे पास, एक है सिंपल इंटरेस्ट का कि पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे लिया किसी से और आगे जो है दे दिया दूसरे बंदे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दो केस होंगे। केस वन सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, तो 10% के हिसाब से 1,800 रुपया उसका इंटरेस्ट बना, ठीक है। अब हमने जो है केस टू देखना है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सीआई हमने लेना है सेमी एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। तो हाफ ईयरली के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट 18,000 के ऊपर फर्स्ट हाफ ईयर में, तो हाफ ईयर का मतलब क्या है, टाइम कितना लेंगे, हाफ ईयर लिया है, टाइम क्या लेना हमने 1/2, तो हाफ कर दो, 1800 का हाफ 900, तो 900 रुपीस जो है वो मेरा आया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। वही इंटरेस्ट इफ आई एम टेकिंग इट एज अमाउंट, ऐड करके अमाउंट बन जाएगा 18,000 प्लस 900, तो 18,900 मेरा जो है वो अमाउंट बना फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट हाफ ईयर का, सॉरी यहाँ पे लिख लेना हाफ ईयर। अब वही जो है प्रिंसिपल होगा सेकंड हाफ ईयर के लिए, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल रेट वही रहेगा, टाइम हाफ ईयर, टू नाइन जा टू फोर जा टू फाइव जा 945 रुपीज इंटरेस्ट सेकेंड हाफ ईयर का। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हाफ ईयर का वो कितना आ गया, 900 पहले का और दूसरा कितना 945, तो 1845 रुपीस मेरा इंटरेस्ट आया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक साल बाद मुझे मिलना है। हाफ हाफ ईयर में कर दिया था, हाफ ईयर यहाँ पे, हाफ ईयर यहाँ पे, तो दो हाफ ईयर हैं, दो हाफ ईयर मिलके एक साल बनता है, 6 months + 6 months, तो दो हाफ ईयर को मिला के मेरे एक साल में इंटरेस्ट कितना बना 1,845। लेकिन अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे पैसे, वो कितने लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मैंने लिए थे सिर्फ 1,800 पे करना था, तो मुझे गेन फिर कितना हुआ, 1,845 - 1,800, दैट इज़ मुझे 45 रुपीज़ का गेन हो गया। तो इसकी टोपी उसके सर करने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे गेन हुआ 45 रुपीज़ का। तो बेटा अभी तक जो मैंने आपको चार एग्जांपल्स करवाई हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज की जो हैं एग्जांपल्स हैं,
सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसकी एग्जाम्पल्स अभी तक मैंने करवाई हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, वीडियोस बहुत लंबी बन जाती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए रेडी करके सेकेंड एक्सरसाइज की जो वीडियोस हैं जिसमें हम प्रिंसिपल एक्स लेते हैं वो कैसे करनी है, और जिसमें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का डिफरेंस गिवन होगा, ऐसे समझोगे, तो वो वाला अलग मेथड से सम करने नहीं होते, मेथड रिमेन्स द सेम। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्टेप को भूलना नहीं होता है। अगर आप किसी स्टेप को स्किप कर जाते हो तो आपका सम गलत हो जाता है। कैलकुलेशंस बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर बेटा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।